हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर उमाकांत व्यास आप सभी का हमारे चैनल ए स्कूल पर स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आज आपको NCERT की क्लास 8th की इंग्लिश बुक हनी ड्यू का चैप्टर 1st द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ाऊँगा। आप सभी अगर तैयार हैं अपनी बुक खोल लीजिए और मेरे साथ शुरू कीजिए चैप्टर 1st की हिंदी ट्रांसलेशन। स्टूडेंट्स, इस पूरे चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक लेटर मिलता है क्रिसमस की डेट को लिखा हुआ और वो काफ़ी सालों बाद में रिसीव होता है किसी एक अननोन पर्सन को। ये जो अननोन पर्सन है ये ऑथर है। ये ऑथर उस लेटर को पढ़ता है और पढ़ करके जिसके लिए लिखा हुआ है उस तक वो पहुंचाता है। तो पूरी कहानी क्रिसमस के टाइम की है। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर की ट्रांसलेशन। इसमें जो आगे ये डेट्स दे रखी है, इट्स इन सारी डेट्स का जो रिप्लाई है, आंसर्स है, वो आपको पेज नंबर 23 पे दिए हुए हैं। इसका इस चैप्टर से कोई संबंध नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 1st पार्ट 1। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिटपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क। मुझे ब्रिटपोर्ट के एक जंक शॉप, कबाड़ की एक दुकान थी ब्रिटपोर्ट में, वहाँ पर एक रोल टॉप डेस्क दिखी जिस पर मेरी नज़र गई। स्टूडेंट्स, आपको इस तस्वीर में यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये होती है रोल टॉप डेस्क, जिसका ये पार्ट ऊपर की तरफ खुलता है। ये रोल टॉप डेस्क होता है। तो ऑथर कहता है कि मुझे ब्रिटपोर्ट के एक कबाड़ की दुकान में एक रोल टॉप डेस्क पर मेरी नज़र गई। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th century। जो इसको बेचने वाला था, सेलर था, उसने कहा कि ये 19th century की रोल टॉप डेस्क है एंड ओक, और ये ओक की लकड़ी का बना हुआ है, बलूत की लकड़ी का ये बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे ऐसी रोल टॉप डेस्क चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ऐसी जो रोल टॉप डेस्क है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक ऐसी चाहिए थी, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगी थी। This one was in bad condition, लेकिन ये roll top desk बहुत ही bad condition में, बुरी स्थिति में थी। The roll top in several pieces, जो जिसके कई टुकड़े जैसे हो रखे थे। One leg clumsily mended, इसकी एक पाँव जो थी roll top desk की, उसका पाँव भद्दे तरीके से मरम्मत किया हुआ था। क्लमजिली का हो गया मतलब भद्दे तरीके से, और मैंडेड मतलब मरम्मत किया हुआ। तो ये जो रोल टॉप डेस्क था, इसके कई टुकड़े हो रखे थे, जिसमें एक पाँव तो बहुत ही भद्दे तरीके से मरम्मत किया हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन, और इसके नीचे कई जगह पर जलने के भी निशान थे। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन का मतलब हुआ इसके नीचे कई जलने के निशान थे। वन साइड, एक साइड में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, गोइंग फॉर का मतलब बेची जा रही थी। तो इस जो रोल टॉप डेस्क है ये बहुत ही कम कीमत पर मुझे मिल रही थी। आई थॉट आई कुड री स्टोर इट, मैंने सोचा, आई थॉट मैंने सोचा, आई कुड री स्टोर इट, मैं इसको में रीस्टोर का मतलब ये हो गया जान डाल देना, मैं इसकी मरम्मत कर दूंगा और इसमें जान डाल दूंगा। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट, मैं इसे इसमें जान डाल दूंगा। आई वुड इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, ये एक रिस्क भी था मतलब जोखिम भी था और एक चुनौती भी थी मेरे लिए। ये एक चुनौती भी थी, रिस्क इसलिए था कि हो सकता है ये अच्छी मरम्मत इसकी नहीं हो, और इसको मरम्मत करना मेरे लिए एक चुनौती थी। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज, मेरे लिए एक जोखिम और चुनौती थी, बट आई हैड टू हैव इट, लेकिन मुझे तो ये रोल टॉप डेस्क लेनी ही थी।
आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक, मैंने उसकी कीमत उसे चुका दी और इसे घर ले आया. आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, मैं इस रोल टॉप डेस्क को मेरे वर्क रूम में ले आया. एट द बैक ऑफ द गैराज, वो वर्क रूम जो मेरे गैराज के बैक में था, पिछवाड़े में था. आई ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज, मैं इस रोल टॉप डेस्क को मेरे गैराज के पिछवाड़े में वर्क रूम में ले आया. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने क्रिसमस की ईव पर, क्रिसमस से जो जस्ट पहले की इवनिंग होती है वो क्रिसमस ईव होती है. आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, मैंने इस रोल टॉप डेस्क पर काम करना शुरू किया क्रिसमस से एक दिन पहले. आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली, मैंने इसके एक तो रोल टॉप जो था उसको पूरा हटा दिया. एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, और मैंने इसकी जो ड्रॉर्स थी, दराज थी, उसको मैंने खोला. सो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स, मैंने रोल टॉप को पूरा हटा दिया और ड्रॉर्स को पुल आउट करना, उसको खोला. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनियर एक पतली लकड़ी का कवर होता है जो टेबल पे लगा हुआ था, जिसको सनमाइका बोलते हैं. द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो विनियर थी वो लगभग पूरी तरीके से हट चुकी थी. इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, मुझे ऐसा लगा कि इसे पानी से कोई नुकसान हुआ था. ये जो लकड़ी थी इस पर पानी से डैमेज, नुकसान पहुंचा था. बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क, ऑथर कहता है कि इस रोल टॉप डेस्क पर फायर, आग और पानी दोनों ने टोल, टेक देयर टोल, इसका मतलब क्या होता है, टेक देयर टोल ऑन दिस डेस्क मतलब नुकसान पहुंचाना. आग और पानी ने इस डेस्क पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था. द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट, जो लास्ट इसकी ड्रॉअर थी वो बहुत बुरी तरीके से अटकी हुई थी, स्टक फास्ट. आई ट्राइड ऑल, मैंने पूरी कोशिश की. आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने इसको जेंटली मतलब बहुत ही आराम से, ईज के साथ में आराम से इसको निकालने की कोशिश की. आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैंने बहुत ही आराम से इसको निकालने की कोशिश की. इन द एंड, और लेकिन अंत में, आई यूज द ब्रूट फोर्स, मैंने बहुत ही जोर का बल लगाया, ब्रूट फोर्स, इस पर बहुत जोर की ताकत लगाई. आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट, मैंने, फिस्ट होती है मुट्ठी, मैंने अपनी मुट्ठी के साइड से इस पर जोर से चोट मारी. स्ट्रक इट शार्पली मतलब बहुत ही तेज़ी से चोट मारी मेरी मुट्ठी से. एंड द ड्रॉअर फ्लू ओपन, और ये ड्रॉअर, ये दराज खुल गई. टू रिवील अ शैलो स्पेस, और इस दराज के अंदर मुझे दिखाई दिया, रिवील मतलब उजागर होना, दिखाई देना. शैलो स्पेस, एक छोटा सा स्पेस दिखाई दिया अंडरनेथ, इसके नीचे. अ सीक्रेट ड्रॉअर, और उसके नीचे वो उस जगह पे क्या था, अ सीक्रेट ड्रॉअर, एक गुप्त दराज थी वहाँ पर. देर वॉज समथिंग इन देयर, वहाँ पर कुछ था उसमें, दराज में. आई रीच्ड इट इन, मैं उस दराज के अंदर उसमें देखा, सीक्रेट ड्रॉअर में, एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और जब मैंने उसके अंदर देखा तो मैंने उसमें एक ब्लैक, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स था, वो था, उसको मैंने बाहर निकाला. आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैंने इसके अंदर हाथ डाला और छोटा काले रंग का टिन बॉक्स निकाला. सेलो टेप्ड, इस पर एक सेलो टेप लगी हुई थी. टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर, और इस टिन बॉक्स के ऊपर एक लाइनदार पेज था, पेज का टुकड़ा था, जिसको सेलो टेप से इसके ऊपर चिपकाया हुआ था. सेलो टेप्ड टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड
नोट पेपर। इस टिन बॉक्स के ऊपर लाइनदार कागज का टुकड़ा सेलो टेप से चिपकाया हुआ था एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग। और इसके ऊपर हिलते हुए हाथों से, शेकी हैंडराइटिंग मतलब हिलते हाथों से लिखी जाने वाली हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर, जिम का अंतिम पत्र, रिसीव्ड January 25, 1915, जो उसे 1915 में 25 जनवरी को रिसीव हुआ। स्टूडेंट्स इसकी तारीख को नोट रखना, 25 जनवरी 1915 को रिसीव हुआ जिम का लास्ट लेटर। ये इस टिन बॉक्स के ऊपर लाइंड नोट पेपर पे लिखा हुआ था टू बी बैरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और क्या लिखा हुआ था, इसको बैरीड करना मतलब दफना दिया जाए विद मी व्हेन द टाइम कम्स, जब मेरी मृत्यु हो जाए, जब मेरा समय आ जाए तब इस पत्र को मेरे साथ में दफना दिया जाए। आई न्यू एज आई डेड इट। आई न्यू एज आई डेड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। मैं जानता था जैसा कि मैंने किया दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये मेरी गलती थी, ये गलत बात थी टू ओपन द बॉक्स, कि ये बॉक्स मैं खोलूँ। मैं मुझे पता था लेकिन फिर भी गलत होने के बावजूद इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी, ये गलत था, फिर भी मैंने ये बॉक्स खोला। राइटर कहता है कि मुझे पता था फिर भी मैंने ऐसा किया। आई न्यू एज आई डिड इट, जब मैंने ये किया तो मुझे पता था कि ये काम गलत है, किसी बॉक्स को खोलना। बट किंतु क्यूरियोसिटी क्या होती है, उत्सुकता। बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स। क्यूरियोसिटी उत्सुकता इतनी थी कि मेरी ये जो झिझक थी कि इसको खोलूँ या नहीं खोलूँ, इस झिझक को मेरी उत्सुकता ने खत्म कर दिया। गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रिपल्स मतलब मेरी उत्सुकता मेरी उस झिझक पर हावी हो गई। इट यूजुअली डज, और ज़्यादातर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि कोई काम में झिझक होती है लेकिन मेरी उत्सुकता होने के कारण से मैं वो काम कर लेता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये ऑथर है, ये ड्रॉर खोलता है, इसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉर है जिसके अंदर एक टिन बॉक्स है, इसके ऊपर एक पेज में कुछ लिखा हुआ है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। इनसाइड द बॉक्स, बॉक्स के अंदर देयर वॉज एन एनवलप, इसके अंदर एक लिफाफा था। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप, बॉक्स के अंदर एक लिफाफा था। द एड्रेस रेड, और एड्रेस पे क्या लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकपर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉरसेट। और एड्रेस लिखा हुआ था, ये लेटर किसके लिए था, मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए, 12 कॉपर बीचेस ब्रिटपोर्ट डॉरसेट। डॉरसेट में ब्रिटपोर्ट है, वहाँ पर 12 कॉपर बीच, ये एड्रेस उस पर लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर, मैंने उस लेटर को निकाला एंड अनफोल्डेड इट, और अनफोल्ड का मतलब होता है खोल देना। मैंने लेटर को खोला, इट वॉज रिटन इन पेंसिल, ये लेटर पेंसिल से लिखा हुआ था। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, और इसके टॉप पर, लेटर के सबसे ऊपर टॉप पर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914, और इस लेटर के सबसे ऊपर टॉप पर डेट लिखी हुई थी December 26, 1914। अब ये लेटर 25 जनवरी को 1915 को जिसको पहुंचना था उसको मिला, मिसेस जिम मैकपर्सन को मिला। अब आगे बढ़ते हैं। ये ऑथर इसको, ये लेटर खोलता है, लेटर खोलने के बाद में इस लेटर में उसको क्या मिलता है वो देखते हैं, वो लेटर पढ़ते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग लेटर है। डियरेस्ट कॉनी, कॉनी ये नाम है मिसेस जैक मैकपर्सन का, जिम मैकपर्सन का। आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड, मैं ये लेटर जो लिख रहा हूँ बहुत ही हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड मतलब खुशी के माहौल में ये तुम्हें पत्र लिख रहा हूँ। बिकॉज क्योंकि
समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड, क्योंकि एक बहुत ही वंडरफुल आश्चर्य से भरा हुआ काम हुआ है। राइटर कहता है कि मैं बहुत ही खुशी के माहौल में ये पत्र तुम्हें लिख रहा हूँ, क्योंकि मेरे साथ में बहुत ही आश्चर्य से भरा काम हुआ है। दैट आई मस्ट टेल, जो मुझे बताना चाहिए, आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस, जो मुझे तुरंत ही तुम्हें बताना चाहिए। अब क्या हुआ इसके साथ में, जिम मैकपर्सन के साथ में? वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग, पिछली सुबह को, कल सुबह को हम सभी हमारे खंदक, ट्रेंचेस होती है सेना जो युद्ध होता है, तो युद्ध के दौरान जो गड्ढे खोदे जाते हैं उसको ट्रेंचेस कहते हैं, जिसमें सिपाही खड़े होते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये ध्यान में रखना कि जो कहानी चल रही है वो एक सोल्जर लिख रहा है, एक कैप्टन लिख रहा है, जिम मैकपर्सन, और जिम मैकपर्सन ब्रिटिश है, और ये कहानी चल रही है वर्ल्ड वॉर की, जिस दौरान ब्रिटिश और जर्मन्स आपस में युद्ध लड़ रहे थे। जिम मैकपर्सन जो है वो ब्रिटिश की तरफ से था, और वो कहता है कि हम सभी हमारे ट्रेंचेस में, खंदकों में खड़े थे कल सुबह। ये क्रिसमस मॉर्निंग थी, और ये जो सुबह थी ये क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट, चारों तरफ क्रिस्प मतलब ठंडा मौसम था और शांति थी चारों तरफ। एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, ये वैसी सुंदर सुबह थी जैसी मैंने देखी थी। एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी, वैसी ही ठंडी और फ्रॉस्टी मतलब कोहरे सी, कोहरा था, एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, जैसी जैसा ठंडा मौसम और कोहरा क्रिसमस की मॉर्निंग में होना चाहिए, वैसा ही कोहरा और ठंड उस दिन थी। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, ये जो काम हुआ, राइटर जो अब बताने जा रहा है वो कह रहा है कि ये मुझे तुम्हें बताना चाहिए था कि हमने इसकी शुरुआत की। अब क्या बात थी वो, किस चीज़ की शुरुआत थी? तो राइटर कह रहा है कि ये शुरुआत हमें करनी चाहिए थी, ऐसा मैं तुम्हें कहना चाहता था। बट द ट्रूथ, लेकिन सच ये है, आई एम अशेम्ड टू से, मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। अशेम्ड का मतलब क्या होता है? शर्मिंदा, मैं बहुत ही कहते हुए शर्मिंदा हूँ। इज दैट फ्रिज बिगिन इट, कि इस काम की शुरुआत फ्रिज ने की। फ्रिज है, ये फ्रिज है एक जर्मन के लिए कॉमन नाम है, किसी भी जर्मन के लिए फ्रिज यहाँ पर नाम यूज़ हो रहा है, तो जर्मन के लिए फ्रिज यूज़ होगा, और आगे आएगा टॉमी, एक ब्रिटिश के लिए कॉमन नाम है। तो राइटर कह रहा है कि मैं जो तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ, या जो कोई एक काम हुआ इसकी शुरुआत हमें करनी चाहिए थी, लेकिन सच ये है, मुझे बहुत शर्मिंदा है कहते हुए कि ये काम की शुरुआत जर्मन्स ने की। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस ऑपोजिट, किसी एक ने ऑपोजिट डायरेक्शन में, सामने की दिशा से, खंदक में से एक सफ़ेद झंडे को, वाइट फ्लैग को लहराते हुए देखा। वेविंग करना मतलब लहराना, सफ़ेद झंडे को लहराते हुए हम में से किसी एक ने देखा। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, फिर उन्हीं में से, जर्मन्स में से, नो मैंस लैंड, ये वो स्थान होता है जो दोनों बॉर्डर जो होता है, जहाँ पे किसी कोई व्यक्ति नहीं जा सके, वो नो मैंस लैंड है, जहाँ कोई व्यक्ति नहीं जा सके। उस जगह से एक आदमी ने जोर से आवाज़ लगाई, और वो सफ़ेद झंडे को हिला रहा था। बच्चों ध्यान रखना, वाइट फ्लैग जो है, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ पीस, मतलब यहाँ अब युद्ध नहीं होना है, वाइट फ्लैग उसका निशान है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, और ज़ोर से वो व्यक्ति चिल्लाया, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज, हम अब इस आश्चर्य से, गॉट ओवर का मतलब उबर जाना, हम इस आश्चर्य से उबर चुके थे कि ये क्या हो रहा था, कोई आवाज़ दे रहा है, सफ़ेद झंडा दिखा रहा है और हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है, तो हम आश्चर्य में थे, हम अब इस आश्चर्य से उबर गए।
सम ऑफ अ शाउटेड बैक, हम में से कुछ ने दोबारा से चिल्लाया, आवाज़ लगाई, सेम टू यू फ्रेंड्स, सेम टू यू। हमने भी उनको हैप्पी क्रिसमस का जवाब सेम टू यू कहा। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे ऐसा लगा, जिम कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि बस इतना ही कुछ होना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वी ऑल डिड, जैसा हमने किया था, उन्होंने हैप्पी क्रिसमस बोला, हमने भी उनको हैप्पी क्रिसमस बोला। दिस वॉज ऑल दैट वी थॉट दैट वुड हैपन, हमने ऐसा सोचा कि ऐसा कुछ होगा। बट देन सडनली, लेकिन अचानक, वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट, तभी अचानक उनमें से एक व्यक्ति अपने ग्रे ग्रेट कोट के पहने हुए बाहर आया, एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और वो वाइट फ्लैग वेव कर रहा था, लहरा रहा था, सफ़ेद झंडा। डोंट शूट लैड, समवन शाउटेड, किसी एक की आवाज़ आई कि गोली मत चलाना लड़को। लैड्स यहाँ पे जवानों के लिए, लड़कों के लिए यूज़ हुआ है। एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वॉज अनदर फिट्स अप ऑन द पैरापेट, तभी उसके पीछे पीछे एक और जर्मन बाहर निकला। पैरापेट एक दीवार जैसे होती है जो शत्रुओं से बचने के लिए होती है। एंड अनदर, और एक और फिर जर्मन बाहर निकला। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, इट्स अ ट्रिक, बट इट वॉजंट, मैंने मेरे जवानों को कहा कीप योर हेड्स डाउन, अपना सिर नीचे करो। आई टोल्ड द मैन, मैंने मेरे जवानों से कहा, इट्स अ ट्रिक, ये कोई चालाकी हो सकती है, बट इट वॉजंट, लेकिन ये कोई चालाकी नहीं थी। जब वो व्यक्ति सामने से आ रहे थे तो जिम ने अपने साथियों से कहा कि बाहर मत निकलना, ये एक चालाकी हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बट इट वॉजंट, ये कोई चालाकी नहीं थी। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, उन जर्मन्स में से एक अपने सिर पर एक बॉटल को हिला रहा था, लहरा रहा था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग, एक जो जर्मन था वो एक बॉटल को लहरा रहा था अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर से। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, और वो क्या बोला कि आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। स्नैप्स एक जर्मन बियर शराब होती है, लिकर होती है, और सॉसेज मांस के टुकड़े होते हैं, मांस की एक डिश होती है। वी मीट यू, क्या हम आपसे मिल सकते हैं। तो वो व्यक्ति बॉटल हिलाते हुए आता है और कहता है कि क्रिसमस का दिन है टॉमी, हमारे पास में स्नैप्स हैं और सॉसेज हैं, क्या हम आपसे मिल सकते हैं। तो जवाब दिया यस, वो उसने पूछा कि क्या हम मिल सकते हैं। बट दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, और ऐसे करके दर्जनों जर्मन्स हमारी तरफ आए। डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी तरफ आए, अक्रॉस नो मैंस लैंड, उस नो मैंस लैंड की तरफ आए। एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके किसी के हाथ में एक भी राइफल नहीं थी। नॉट अ राइफल बिटवीन देम, उनके हाथ में राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, ये एक पोस्ट होती है, लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, वो सबसे बाहर निकला हम में से। कम ऑन बॉयज, आओ लड़को, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, फिर अब हमारे साथियों में से कोई रुकने वाला नहीं था। इसका मतलब अब जो ब्रिटिश जो थे, जिम के साथ के सैनिक थे, वो भी अब बाहर निकलने शुरू हो गए। देन देर वॉज नो स्टॉपिंग देम, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। आई वॉज द ऑफिसर, मैं उनका ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम, मुझे उनको रोक देना चाहिए था। देर एंड देन, उसी समय। आई सपोज, ऐसा मैं सोचता हूँ, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा है कि ऐसा करना चाहिए। तो उसको रोकना चाहिए था, लेकिन जिम कहता है कि मैंने उनको नहीं रोका। बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर अकर्ड टू मी आई शुड, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगा कि मुझे रोकना चाहिए, तो मैंने उनको नहीं रोका।
All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another. हमारी दोनों की तरफ की जो lines थी, हमारी जो सीमाएं थी उनकी और हमारी, वहाँ से आदमी जो सैनिक थे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, one another एक दूसरे की तरफ. ग्रे कोट्स, उनके ग्रे कोट्स पहने हुए थे, एंड खाकी कोट्स. मीटिंग इन द मिडल, हम सारे नो मैंस लैंड में, बीच में हम मिले. एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से एक था. जिम कहता है कि वो भी उधर से आए, हम भी उधर से गए, मैं भी उनके साथ है, और हम उस स्थान के बीच में हम सब मिले. आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं उन्हीं का हिस्सा बन गया. इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के इस समय में, इन द मिडल ऑफ द वॉर, युद्ध के इस समय में वी वर मेकिंग पीस, हम शांति बना रहे थे. यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, जिम अपनी वाइफ को कहता है कि कॉनी तुम विश्वास नहीं करोगी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि जब मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा मेरी क्या फीलिंग्स थी, तुम विश्वास नहीं करोगी. हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास अप्रोच किया, जो मेरे पास पहुंचा. हैंड आउटस्ट्रेच्ड, उसने अपने हाथ खोल लिए, हाथ फैलाए उसने अपने. तो जिम अपनी वाइफ को कहता है कि तुम विश्वास नहीं करोगी, मैंने फ्रिज ऑफिसर की आंखों में देखा और जो मेरी फीलिंग्स थी उस पे तुम विश्वास नहीं करोगी. जिम कहता है कि उस फ्रिज ऑफिसर ने हाथ खोला, हाथ बढ़ाया मेरी तरफ. हैंस वुल्फ, उसने अपना नाम बताया कि उसका नाम हैंस वुल्फ है. ही सैड ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, वह बहुत ही गर्म जोशी से, वार्मली मतलब गर्म जोशी से, उसने मेरे हाथ को पकड़ लिया, जकड़ लिया. एंड होल्डिंग इट, उसको पकड़ लिया. आई एम फ्रॉम डसलडॉफ, मैं डसलडॉफ की तरफ से हूँ. आई प्ले द चेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में, चेलो बोलते हैं इसको, ये एक संगीत वाद्य होता है, बजाता हूँ. हैप्पी क्रिसमस, मैं तुम्हें क्रिसमस की बधाई देने आया हूँ. तो ये जो फ्रिज ऑफिसर है ये डसलडॉफ से है और ऑर्केस्ट्रा में चेलो बजाता है. अब आगे बढ़ते हैं. अब जिम क्या कहता है, कैप्टन जिम मैकपर्सन. आई रिप्लाइड, मैंने जवाब दिया कि मैं कैप्टन जिम मैकपर्सन हूँ, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, मैं भी तुम्हें क्रिसमस की बधाई देता हूँ. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉरसेट, मैं डॉरसेट से हूँ और एक स्कूल टीचर हूँ. कैप्टन जिम मैकपर्सन उसको क्रिसमस की बधाई देता है और कहता है कि मैं डॉरसेट से एक जिम, मैं एक स्कूल टीचर हूँ इन द वेस्ट ऑफ द इंग्लैंड. डॉरसेट जो इंग्लैंड के वेस्ट में है. ओ डॉरसेट, ही स्माइल्ड. और फ्रिज जो हैंस वुल्फ है वो कहता है, ओ डॉरसेट आई नो दिस प्लेस, मैं इस जगह को जानता हूँ. आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ. वी शेयर्ड माई रम एंड रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. जिम कहता है कि हमने मेरा रम का जो हमारा राशन था वो और उसका बहुत ही अच्छा बना हुआ एक्सीलेंट सॉसेज भी, ये मांस की बनी हुई डिश होती है, मीट होता है, ये हमने शेयर किया. एंड वी टॉक्ड, और हमने काफ़ी बातें की. कौनी हाउ वी टॉक्ड, और उसी तरह बातें की कौनी जैसे हम बातें करते हैं, वैसे ही मैंने उस जर्मन ऑफिसर से बात की. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलता था. बट इट टर्नड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉरसेट, लेकिन ऐसा पता चला, टर्नड आउट, कि उसने डॉरसेट में कभी भी कदम भी नहीं रखा था. नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वो तो इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था. नेवर बीन टू इंग्लैंड मतलब कभी भी इंग्लैंड नहीं गया था. ही हैड लर्नड ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम स्कूल, उसने इंग्लैंड के बारे में सब कुछ पता चला था उसको अपने स्कूल डेज से. स्कूल में उसने इंग्लैंड के बारे में सुना था, पढ़ा था. एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश की बुक्स पढ़ने से उसको इंग्लैंड के बारे में पता चला.
His favorite writer was Thomas Hardy, और उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था. His favorite book और उसकी सबसे पसंदीदा पुस्तक थी Far From the Madding Crowd. ये हार्डी का ही एक उपन्यास है, थॉमस हार्डी का उपन्यास है Far From the Madding Crowd. So, out there in no man's land we talked of, और इस no man's land में हम दोनों ऑफिसर बातें कर रहे थे, किसकी, बादशेबा की, एंड गैब्रियल ओक एंड सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट. बादशेबा, गैब्रियल ओक और सर्जन ट्रॉय ये हार्डी के इसी उपन्यास के पात्र हैं, इनकी बातें की और डॉर्सेट की जो ये स्थान है इसकी भी बात की. ही हैड ए वाइफ एंड वन सन. हैंस वुल्फ ने, उस जर्मन ऑफिसर ने बताया कि उसकी एक पत्नी है और एक बच्चा है, बॉर्न जस्ट 6 मंथ्स अगो, जिसका जन्म 6 महीने पहले ही हुआ है. एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. जिम कहता है कि जैसे मैंने अपने चारों तरफ देखा, वहाँ पर देयर वर हडल्स मतलब जमावड़ा था ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर. खाकी ड्रेस यूनिफॉर्म और ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुए, मतलब जर्मन्स और ब्रिटिश सारे उसके चारों तरफ इकट्ठे थे. ऑल ओवर नो मैंस लैंड, सारे नो मैंस लैंड में थे. स्मोकिंग, वो सारे वहाँ पर स्मोक कर रहे थे. लाफिंग, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे. ड्रिंकिंग, शराब पी रहे थे और कुछ न कुछ खा रहे थे. हैंस वॉफ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक. हैंस वुल्फ और मैंने शेयर किया, क्या शेयर किया, व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक, जो तुमने क्रिसमस केक भेजा था उसी के कुछ बचा हुआ हिस्सा हमने खाया. कौनी, He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने marzipan भी खाया था. ये marzipan एक sweet cover होता है जो cake पे लगाया जाता है, जो sugar और egg से, almond से बना होता है. तो marzipan भी जो he thought कि उसने सोचा, बताया, He thought the marzipan was the best he had ever tasted. उसने ऐसा सोचा कि marzipan सबसे, ये जो मार्जिपन था सबसे बेस्ट था जो उसने चखा था. आई एग्रीड, मैं भी इस बात से सहमत हूँ. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, और हमने हर बात पे सहमति जताई. एंड ही वॉज माई एनिमी, वो मेरा दुश्मन था, हमारा युद्ध चल रहा था, लेकिन हम अभी एग्री कर रहे थे एक दूसरे से, हम एक दूसरे की बात सुन रहे थे, समझ रहे थे और एक दूसरे की बात को मान भी रहे थे. There never was a Christmas party like it, Connie. ऐसी Christmas party कभी भी मेरे life में नहीं हुई, Connie. तो जिम अपनी wife Connie को बताता है कि ऐसी बात, ऐसी घटना, ऐसा Christmas party मेरे साथ कभी नहीं हुई जब मैंने मेरे शत्रु के साथ में party मनाई. Then someone, I don't know who, फिर क्या हुआ, कोई एक व्यक्ति था, मुझे पता नहीं कौन था, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर के आ गया. ग्रेट कोर्ट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और सारों ने अपने ग्रेट कोर्ट्स उतार दिए, उनको डंप कर दिया, फेंक दिया, इन पाइल्स ढेर बना करके, टू मेक गोल पोस्ट, उन्होंने अपने ग्रेट कोर्ट के ढेर लगा करके गोल पोस्ट बना दिया और फुटबॉल खेलना शुरू हो गए. And the next meeting, next thing we knew it was Tommy against Fritz. और फिर क्या होना था, फुटबॉल मैच हुआ, एक तरफ सारे टॉमी का मतलब ब्रिटिश जवान, दूसरी तरफ सारे फ्रिट्स मतलब जर्मन सैनिक, आउट इन द मिडल ऑफ द नो मैंस लैंड. एंड हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड. तो मैच शुरू हुआ, मैं और हैंस वुल्फ देख रहे थे, चेयर कर रहे थे, क्लैपिंग तालियां बजा रहे थे. एंड आर हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आर फीट, और हम पैर पटक रहे थे, तालियां बजा रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, ऐसा करने से हमें ठंड का भी एहसास कम हो रहा था. देयर वॉज अ मोमेंट, फिर एक समय आया, व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, जब हमारी जो सांसें निकल रही थी, जो मुँह से धुआं निकल रहा था, वो हवा में मिंगल मिल रहा था, मिक्स हो रहा था हवा में, ऐसा मैंने नोटिस किया.
ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी हैंसफोर्थ जर्मन ऑफिसर ने भी इसको नोटिस किया. आई नोटिस्ड आर ब्रेथ मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस. ही सॉ इट टू एंड स्माइल्ड, उसने भी ऐसा नोटिस किया और वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराया. जिम मैकपर्सन ही सैड आफ्टर वाइल, उसने कहा जिम मैकपर्सन आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. वो कहता है हैंसवॉफ जर्मन ऑफिसर कहता है ये जिम मैकपर्सन, मैं सोचता हूँ कि इसी तरीके से हमें युद्ध को रिजॉल्व कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए. किस तरीके से समाप्त कर देना चाहिए? अ फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल मैच खेल करके युद्ध को खत्म कर देना चाहिए. नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, और फुटबॉल मैच में कोई मरेगा भी नहीं क्योंकि युद्ध में तो सब मरते हैं. फुटबॉल मैच होगा, जो जीतेगा वो युद्ध जीत गया और कोई मरेगा भी नहीं. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, युद्ध में जैसे लोग मरते हैं बच्चे अनाथ होते हैं, तो फुटबॉल मैच में कोई भी अनाथ भी नहीं होगा. और नो वाइव्स बिकम विडोज, और कोई भी औरत कोई भी पत्नी विधवा भी नहीं होगी. तो इस तरीके से हम युद्ध को खत्म कर सकते हैं. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, जब जर्मन ऑफिसर ने हैंसवॉफ ने फुटबॉल का कहा तो जिम क्या कहता है? आई वुड प्रेफर क्रिकेट, कि मैं क्रिकेट खेलना पसंद करूँगा. आई टोल्ड हिम देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, फिर शायद हम ब्रिटिश ऑफिसर्स मैच जीत जाए क्योंकि ब्रिटिशर्स क्रिकेट खेलने में अच्छे होते हैं, जर्मन्स फुटबॉल में अच्छे होते हैं. तो दोनों जब उसने ये बात कही, वी लाफ्ड एट दैट, हम इस बात पर हंसे, एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, और हमने इस तरीके से मैच को देखा. सैड टू से, लेकिन बहुत ही दुख है ये कहते हुए. कॉनी कि फ्रिज वन, कि जर्मन्स मैच जीत गए 2-1, एक की जगह 2-1 से जर्मन्स मैच जीत गए. बट द हैंसवॉफ जेनरसली सैड, लेकिन जो हैंसवॉफ था जर्मन ऑफिसर, उसने बहुत ही जेनरसली का मतलब हो गया उदारता से कहा, आर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स, कि हमारा गोल ब्रिटिशर्स का गोल थोड़ा चौड़ा था उनके गोल से. सो इट वॉजेंट अ क्वाइट फेयर, इट वॉजेंट क्वाइट फेयर, कि ये जो मैच हुआ ये फेयर नहीं था, निष्पक्ष नहीं था. द टाइम केम, फिर समय आया, एंड ऑल टू सून, और जल्द ही, व्हेन द गेम वॉज फिनिश्ड, मैच खत्म हुआ, द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो हमारे पास में खाने पीने का सामान था, स्नैप्स रम सॉसेज, ये सारे खत्म हो चुके थे. रन आउट का मतलब खत्म हो गए थे. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर, अब सब खत्म हो गया था. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, मैंने हैंसवॉल्फ को विश किया, शुभकामनाएं दी, और उसे कहा आई होप्ड ही वुड सी, आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि वह अपने परिवार से जल्दी मिलेगा. That the fighting would end, कि हमारा ये युद्ध जल्दी खत्म होगा, and we could all go home, हम सब घर जा सकेंगे. ऐसा कहकर जो जिम था उसने हैंस को आश्वासन दिया. I think that is what every soldier wants on both sides, Hanswolf said. Hanswolf ने क्या कहा, कि मैं सोचता हूँ कि हर कोई सैनिक यही चाहता है कि युद्ध खत्म हो जाए, सब अपने घर चले जाए और परिवार से मिले. तो हैंसवॉल्फ ने ऐसा कहा और फिर आगे कहा, टेक केयर जिम मैकपर्सन, उसने कहा जिम मैकपर्सन अपना ध्यान रखना तुम, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस समय को कभी नहीं भूल पाऊंगा, नॉर यू, और तुम भी इसे नहीं भूल पाओगे. ही सैल्यूटेड, उसने मुझे सलाम किया, एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, और वह मेरे से दूर धीरे धीरे चला गया. अनविलिंगली, वह बहुत अच्छा था, उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, लेकिन बिना इच्छा के अनविलिंगली वह मेरे से दूर चला गया. आई फेल्ट, ऐसा मुझे महसूस हुआ. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस, वह सिर्फ एक बार मुड़ा मेरी तरफ, एंड देन बिकेम
one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. और फिर धीरे धीरे वो सारे जो grey-coated थे, grey-coat पहने हुए Germans थे, वो आगे बढ़ गए towards their trenches, अपनी trenches की तरफ, खंदकों की तरफ चले गए. That night, उस रात, back in our dugouts, हमारे जो गड्ढे थे जिसमें हम रह रहे थे, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. हमने सुना कि वो Germans carols, Christmas के गीत गा रहे थे और बहुत ही सुंदर से, singing it quite beautifully, बहुत ही सुंदर तरीके से carols गा रहे थे. It was still not, still night. और ये गीत के बोल थे. Our boys gave them a rousing chorus of wild shepherd voiced. और हमारे भी सैनिकों ने उनको rousing chorus, मतलब गर्मजोशी से भरा हुआ गीत उनके लिए गाया. और वो गीत क्या था? Wild shepherds voiced. ये गीत हमने उनके लिए गाया. We exchanged carols for a while. हमने कुछ समय के लिए carols गाए. And then we all fell silent. हम सब शांत हो गए. We had our time of peace and goodwill. हमने बहुत ही शांति का और मंगल कामना का समय बिताया. हमने एक दूसरे के लिए अच्छा विश किया. A time I will treasure as long as I live. एक ऐसा समय जो मैं आने वाले समय में मेरे जीवन में हमेशा संभाल करके रखूँगा. अब आगे बढ़ते हैं. Dearest Connie, by Christmas time next year, अगले साल क्रिसमस तक, this war will be nothing but a distant and terrible memory. अगले साल तक ये जो युद्ध है, ये क्या हो जाएगा? कुछ नहीं बचेगा, एक बहुत ही पुरानी और डरावनी एक याद बनकर रह जाएगा. I know from all that happened, ये जो सब कुछ हुआ आज, how much both armies long for peace. मैं ये जान गया आज जब जो कुछ हुआ कि जो दोनों सेनाएं थी वो लॉन्ग फॉर पीस, पीस मतलब शांति, और लॉन्ग इच्छा रखना कि हमारी पूरी सेना जो है वो इच्छा रखती है सिर्फ शांति की. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून. हम फिर से ज़रूर मिलेंगे. आई एम श्योर ऑफ इट. हम इसका मुझे पूरा विश्वास है. योर लविंग जिम. तुम्हारा प्यारा जिम. तो ये पत्र पूरा जो है वो ऑथर ने पढ़ा, जो जिम मैकपर्सन है अपनी वाइफ मिसेस जिम मैकपर्सन के लिए, जिसको वो कॉनी कहता है, उसके लिए लिखा. अब कहानी में क्या होता है, ये पत्र पढ़ने के बाद में ये जो ऑथर है उसने क्या किया, आई फोल्डेड द लेटर अगेन. मैंने उस पत्र को फिर से समेट दिया. एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. मैंने इस पत्र को इसी के एनवेलप में रख दिया. स्लिप्ड इट केयरफुली मतलब इसको बहुत ही सावधानी से रख दिया. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. पूरी रात में जागा रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. और अगली सुबह मुझे पता था कि मुझे क्या करना है. आई ड्रोव इनटू ब्रिटपोर्ट. मैं ब्रिटपोर्ट गया, जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो ज़्यादा दूर नहीं था, कुछ मीलों दूर था. आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग. मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते के साथ घूम रहा था, वेयर कॉपर बीचेस वॉस. कॉपर बीचेस कहाँ है? हाउस नंबर 12, जहाँ पर घर का नंबर है 12, वो कहाँ पर है? हाउस नंबर 12 टर्नड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल. जो मकान नंबर 12 था वो अब कुछ नहीं था, सिर्फ एक जला हुआ, बर्नड आउट शेल की तरह था, जले हुए एक शेल की तरफ था. द रूफ कैपिंग, जिसके छत में दरारें थी. द विंडोज बोर्डेड अप, जिसकी खिड़कियों को ढक दिया गया था. आई नॉक्ड एट द हाउस. मैंने दरवाजे को खटखटाया, नेक्स्ट डोर, जो उस मकान के पास में था. एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसेस मैकपर्सन. और पड़ोस के घर को खटखटाया. आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर. और पूछा कि कोई मुझे मिसेस मैकपर्सन के वेयर अबाउट्स का मतलब ठिकाना बता सके. ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन द स्लीपर. ही न्यू हर वेल. तो पड़ोसी जो एक ओल्ड मैन था, स्लीपर पहने हुए था, उसने कहा, ओ यस, अ लवली ओल्ड लेडी, बहुत ही अच्छी वृद्ध औरत है वो. ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, अ बिट मडल हेडेड, जो एक मंद बुद्धि की तरह औरत है,
बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन इस वृद्ध उम्र पर, उम्र के इस पड़ाव में जब वह इतनी बुढ़ी हो चुकी है, वो मडल हेडेड, ना समझ या मंद बुद्धि होने की हकदार है, इस उम्र में हो जाते हैं, वॉजंट शी 101 ईयर ओल्ड, वो लगभग 101 साल की थी, शी हैड बीन इन द हाउस वैन इट कॉट फायर, उसके जब घर में आग लगी थी वो उसके घर में ही, उस घर में ही थी, नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, वह ओल्ड मैन उस ऑथर को ये बताता है कि ये जब औरत है मिसेज मैकपर्सन, उसके घर में आग लग गई थी, वो उस समय घर पे थी, अब आग कैसे लगी कोई नहीं जानता कि आग कैसे शुरू हुई, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन शायद ये कैंडल्स, मोमबत्तियों के कारण से आग लगी थी, शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वह बिजली की जगह कैंडल्स, मोमबत्ती का प्रयोग करती थी, बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि वह ऐसा सोचती थी कि कैंडल्स से इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा महंगी होती है. द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, और आग बुझाने वाले समय पर आ गए थे. She was in nursing home now, और वह अब nursing home में रहती है. He told me, ऐसा उसने मुझे बताया, जो Burlington House है वहाँ पर रहती है, on the Dorchester Road, on the other side of the town. इस कस्बे के दूसरी तरफ Dorchester में Burlington House है, वहाँ पर एक nursing home में वह औरत रह रही है, Mrs. MacPherson वहाँ पर रहती है. I found Burlington House nursing home easily enough, मुझे वो नर्सिंग होम जो बर्लिंगटन हाउस है वो बहुत ही आसानी से मिल गया. देवर पेपर चेंज अप इन द हॉल एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री, जो इसका हॉलवे था, इस वहाँ पर कागज की कुछ लड़ियाँ सजावट के लिए लगाई हुई थी, और एक लाइटेड क्रिसमस था, क्रिसमस जिसमें लाइट जल रही थी, पेड़ था, स्टूड इन द कॉर्नर जो किनारे लगाया हुआ था, विद अ लॉप साइडेड एंजल ऑन द टॉप, जिसके टॉप पर एक एंजल लगाया हुआ था. I said I was a friend come to visit Mrs. MacPherson to bring her a Christmas present. मैंने कहा कि मैं Mrs. MacPherson का एक friend हूँ जो उनके लिए Christmas present लेकर आया हूँ. I could see through into the dining room. फिर author कहता है कि मैं देख सकता था कि dining room के अंदर, where everyone was wearing paper hat, हर एक के सिर पे कागज की बनाई हुई hat पहनी हुई थी, और वो गाने गा रहे थे. The matron had a hat on too. Matron जो थी वहाँ की देख रेख करने वाली, जो matron थी उसके भी hat पहनी हुई थी, and seemed happy. वो बहुत ही खुश दिख रही थी. Enough to see me. और मुझे ऐसा लगा कि वह बहुत खुश थी. She even offered me a mince pie. उसने मुझे कुछ meat का बना हुआ dish मुझे दी. She walked me along the corridor. वह मुझे corridor तक लेकर गई. Mrs. MacPherson is not in with not in with the others. उसने कहा कि Mrs. MacPherson हमारे साथ में यहाँ नहीं है. She told me, ऐसा उसने कहा. She is rather confused today. आज वो थोड़ी परेशान है. So we thought it best if she had a good rest. तो हमने सोचा कि उनके लिए अच्छा होगा कि वो आज आराम करे. She has no family, you know. उसका कोई परिवार नहीं है. No one visits. उनसे कोई मिलने भी नहीं आता है. So I'm sure she will be only too pleased to see you. तो मैट्रन कहती है कि वो आपसे मिलकर के बहुत खुश होगी, ऐसा मैं सोचती हूँ. She took me into a conservatory with a wicker chairs. फिर वह मैट्रन मुझे एक कंजर्वेटरी, उस कक्ष में लेकर गई जहाँ पर विकर चेयर्स लगी हुई थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, कुछ प्लांट्स भी लगी हुई थी ऑल अराउंड, एंड लेफ्ट मी. वह मुझे वहाँ छोड़ करके चली गई. The old lady was sitting in the wheelchair. और वह old lady, Mrs. MacPherson, जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये वो author है. The old lady was sitting in the wheelchair. वह wheelchair में बैठी थी. Her hands folded in the lap. उसके हाथ अपनी गोद में बांधे हुए थे. She had silver white hair pinned into a wispy bun. और उसके जो बाल थे वो बिल्कुल silvery white, सफ़ेद हो गए थे, और उनको एक पतले से जुड़े में बांधा हुआ था. She was gazing out at the garden. और वह बगीचे की तरफ देख रही थी. तो ऑथर कहता है, हेलो आई सेड, मैंने उनको हेलो कहा. शी टर्नड आउट, वह मेरी तरफ घूमी.
एंड लुकड अप एट मी वैकेंटली, और बिना किसी चेहरे पे भाव के उसने मेरी तरफ देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, और मैंने उनको हैप्पी क्रिसमस कॉनी कहा, और ये कॉनी वही नाम है जो मिस्टर मैकपर्सन मिसेस मैकपर्सन को कहते थे। और मैं कहता गया, आई फाउंड दिस, मुझे ये मिला, आई थिंक इट इज़ योर्स। तो ऑथर उसको वो लेटर देता है, टिन बॉक्स देता है जिसमें वो लेटर है, और वो कहता है कि मुझे ये मिला था, ये शायद आपका ही है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज़ वर नेवर लेफ्ट माई फेस, आइज़ नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोल रहा था तो उनकी मिसेस मैकपर्सन की नज़रें मेरे चेहरे से नहीं हटी। आई ओपन द टिन बॉक्स, मैंने टिन बॉक्स को खोला, ये आप देख पा रहे हैं। गिव इट टू हर, मैंने उनको वो दिया, एंड दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप विद रिकग्निशन। उस टिन बॉक्स को जैसे ही देखा, मिसेज मैकपर्सन उसको पहचान गए और उनकी आंखें चमक गई, उनकी आंखें लिट अप मतलब चमक गई विद रिकग्निशन, पहचान से। एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उनका चेहरा सफ्यूज मतलब भर जाना, विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, एक अचानक खुशी की चमक से उनका चेहरा भर गया। दैट वॉज द मोमेंट, और इस क्षण जब उन्होंने टिन बॉक्स देखा, वो पहचान गई उसे, उनका चेहरा चमक गया, उनके चेहरे पर खुशी की चमक से उनका चेहरा भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि मुझे ये डेस्क कैसे मिली। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मिसेज मैकपर्सन मुझे सुन नहीं रही थी, मिसेज मैकपर्सन का ध्यान मेरी बात में नहीं था। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग फॉर अ वाइल, She said nothing, कुछ देर के लिए मिसेज मैकपर्सन ने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, अपनी उंगलियों के टिप्स से वह उस लेटर को हल्के हल्के से चोट कर रही थी, दबा करके उसको देख रही थी। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक आउट माई हैंड, और अचानक मिसेज मैकपर्सन मेरे पास आए और उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, मिसेज मैकपर्सन की आँखें आंसुओं से भर गई। Her eyes were filled with tears, उनकी आँखें आंसू से भर गई। You told me you would come home by Christmas, dearest. यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना कि मिसेज मैकपर्सन ये समझ रही है कि उनसे मिलने मिस्टर मैकपर्सन आए हैं, तो वो कहते हैं कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस को मेरे पास आओगे। She said, and here you are, और देखो तुम मुझसे मिलने आ गए। The best Christmas present in the world, तुम मेरे क्रिसमस का सबसे बेस्ट प्रेजेंट हो। तो इस कहानी का जो टाइटल है कि मिसेस मैकपर्सन का क्रिसमस प्रेजेंट, जो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, वो व्यक्ति है जो उनको वो पत्र देने आया था, मिसेस मैकपर्सन उसको अपना हस्बैंड मान रही है, मिस्टर मैकपर्सन यहाँ पर मान रही है। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, वह उसे जिम कह कर के पुकारती है कि मेरे पास आओ एंड सिट डाउन, बैठ जाओ। मिसेज मैकपर्सन उसे अपना पति मानती है। आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उनके पास बैठ गया, एंड शी किस्ड माई चीक, उसने मिसेज मैकपर्सन ने मेरे गाल पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम, मैंने तुम्हारा पत्र इतनी बार पढ़ा, एवरी डे हर दिन पढ़ा। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हैंड, लेकिन हैड, मैं मेरे दिमाग में मन में तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज़ मेड मी फील यू वर विद मी, और इट ऑलवेज़ मेड मी फील, मुझे हमेशा ये महसूस करवाता कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और देखो तुम मेरे पास आ गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी माई योर सेल्फ, तुम चूँकि अब आ गए हो, तुम ये पत्र मुझे पढ़ करके सुनाओ, और मैं ये फील करना चाहती हूँ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे। जिम डियर, आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वील हैव सम टी, ये पढ़ने के बाद में हम फिर चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपन बनाया है, ऑल अराउंड चारों तरफ उस पर मार्जिपन लगा हुआ है केक पे, और बहुत अच्छा मार्जिपन है।
केक बनाए हैं। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन, मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपन कितना अच्छा लगता है। ये इसका राइटर है माइकल मॉर्पर्गो। तो ये कहानी थी जिसका टाइटल है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो मिसेज मैकपर्सन को क्रिसमस पे बहुत लंबे समय बाद में एक गिफ्ट मिलता है जो उनके लिए वर्ल्ड का बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है। तो ये थी कहानी हनी ड्यू बुक का चैप्टर फर्स्ट, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। थैंक यू वेरी मच बच्चों।